सरदार गुरमेल सिंह जी फौजी साहब सुखे पातशाह जी जो देश की राखी करद्या हो सरहद की राखी करद्या सुखे पातशाह जी कुछ दिन पहला शहीद हो गए सुखे पातशाह जी उन्होंने रोह की प्रवानता वास्ते सतगुरु जी परिवार वालों ग्रह खेत सतगुरु जी राज सेवकों के सारे पल हाजिर ने कड़ा प्रसाद जी देव हाजिर है देश लई बड़ी वड्डी कुर्बानी है अपनी मातृ भूमि की अपनी सेवावां की रक्षा करते हुए पाकिस्तान के सैनिकां नाल उन्हां जालमां नाल जिहड़े हमेशा साढ़े जवानों ते फायरिंग करते हैं पर वो पहला वक्त बदल चुका है। एक गोली चलती है जवान साढ़े शहीद हो जाते हैं पर अपनी मातृ भूमि की रक्षा करते हैं। बहुत वड्डी कुर्बानी है। इस परिवार के दुख दे विच असीं अज आए हैं। कोई भी तकलीफ होएगी परिवार के नाल असीं खड़े हैं, कोई कमी नहीं किसी तरह की असीं आन देंगे। सर कई शहीद हुए ने उन्होंने परिवार च कई रोस भी प्रगट हो रहा कि उन्होंने सरकार कोई भी आ रही है कोई उन्होंने हमदर्द ना कोई रुख नहीं अपना रही है देखो जाता कुछ काफी कुछ देने पर दिता नहीं जा रहा। यह गल बड़ी स्पष्ट है तो सही है कि संस्थावां बड़िया ने राजनीतिक पार्टियां भी बड़िया ने पर शहीद परिवारों के नाल खड़े लोग बहुत घट होते हैं। तो समय लिए याद किया जाता है फिर याद नहीं किया जाता। ये साड़ियाँ खास तौर पर राजनीतिक पोलिटिकल पार्टियां असी वोट लेने लोगों तो सत्ता लेने लीडर बनते हैं साढ़ा ही सारे का फर्ज बनता है सारिया पार्टियां
कि असीं इन्हां दे परिवारां दी देख रेख इन्हां नूं दुख सुख वेले सांभी इन्हां दी मुश्किलां नूं समझी इन्हां दे घरां च आ के समझी इन्हां नूं की तकलीफां ने यह सब तो जरूरी है। राजनीतिक लोगों का यह काम नहीं कि वोट ही लेना है सत्ता लेनी है कुर्सी लेनी है। इन्हां किन्ने कु परिवार होणगे साडे एरिए च जिन्ने भी परिवार ने एरिए दे जिहड़े जिम्मेदार लोग ने उन्हां नूं देखना चाहिए सरकारां नूं देखना चाहिए और इन्हां दे एक अलग फंड जिहड़ा है वो सरकार नूं जरूर रखना चाहिए कि उस वेले इन्हां नूं तकलीफ ना बाद दे विच होवे। इन्हां दे परिवार नूं नौकरी किन्नू चाहीदी है उन्हां दे जिहड़ा छोटी बेटी है वो वड्डी होएगी उन्हूं हुण तो सरकार कैबिनेट का मता पास करके हुण तो फैसला करे जो बच्ची वड्डी होएगी इन्हूं नौकरी दित्ती जाएगी उसका बाद धक्के ना खाने पैण। कई इहो जिहे केस हुंदे ने जिन्हां दे कुछ वजह ही नहीं होंगी वो गैस एजेंसियां भी लै लेंदे ने पेट्रोल पंप भी लै लेंदे ने हुण ना मैं किसी का की लवां खेम करन वाले पासे जो कुछ होया सारा कुछ तुसीं उत्थे देखिया। कई लोग इहो जिहे ने जिन्हां दा फौज दे नाल कोई तलक नहीं जिन्हां दी सुरक्षा दे नाल तलक नहीं पर क्योंकि राजनीतिक लोग जरूरत तो ज़्यादा उत्थे पहुँच जाते हैं मीडिया उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट कर देता उन्होंने कई यहोजी चीज़ा मिल जाने जड़ियाँ मिलनिया चाहिए जोड़े एक्चुअली शहीद होए ने जिमें साडे बहादुर जवान साडे शहीद होए ये सरकारों को पॉलिसी बनानी चाहिए। सेंटर सरकार ने जरूर हुण एक नवी पॉलिसी बनाई है मेरा ख्याल वो लागू हो जाएगी जल्दी 1 करोड़ रुपया परिवार को जिथे भी कोई शहीद होएगा दिता जाएगा। साड़ी स्टेट के फंड देने की कमी है वो भी वधाउणा चाहिए दूजिया स्टेटा के मुताबिक जो दूजिया स्टेटा 50 लाख है तो इतने भी 50 लाख होना चाहिए कि 1 करोड़ वो भी इतने होना चाहिए। सारी पॉलिसी हिंदुस्तान की इको होनी चाहिए वक्रिया स्टेटा नहीं होनी चाहिए पॉलिसी। मूंह तोड़ जवाब पूरा दिता जा रहा पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर 215 आतंकवादियों को मारिया पूरा जवाब दिता जा रहा ही तो साड़ी शहादत हो रही ने जवाब दिता जा रहा साडे जवान शहादत देंदे ने कुरबानी देंदे ने पर मूँह तोड़ जवाब देंदे ने। पहला की सी साडे जवानों नू वो शहीद कर जाते असी समझौतियां दी गल करते हुण कोई समझौता नहीं कोई गलबात नहीं एक गोली चलेगी 100 जवाब देंगे वो दिता जा रहा इस करके तो शहादत हो रही हैं पर एक बार ये मुक जाएगा काम जिहड़ा मुकना हुण वो काम नहीं है कि अज चुप करके कल फिर शुरू हो जाऊ एक बार मुकेगा तो इन्हों का पूरा मुकेगा। आमो सामने तो हो रहे हैं और आमो सामने की गल आमो सामने हो रहे हो जंग थोड़ा सी कहने जंग जंग नहीं जंग कहना बड़ा एवं काम है जंग हो जाऊ जंग के किन्ने नुकसान ने असं सरहद एरिए रहने जंग का नुकसान तो पहले सानू होना है फिर जाके दिल्ली तो मुंबई होना है जंग तो बगैर अगर लड़ाई वधिया लड़ी जाती उन्होंने लड़ना चाहिए वो लड़ाई जारी है 200 आतंकवादियों मारना कोई छोटी जी गल नहीं साड़ी फौज नू पूरी खुली छूट है एक गोली चलती 100 का जवाब दो रुकावट नहीं है वो पूरी जारी है पूरी तसली है इस गल वालों अतवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लड़ाई पूरी जारी है और कुछ कोई